हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, अगर आप घर में कार, बाइक, साइकिल, ये सब तो सबके घर में कुछ ना कुछ रहता ही है, और अगर जाले कुछ खराब होता है, नट बोल्ट खोलने की जरूरत पड़ जाती है, मार्केट लेके जाते हैं, वो केवल एक नट खोलने के लिए ये समझ लीजिए वो आपको 150 रुपए चार्ज कर लेता है। तो इसीलिए हम घर में टूल्स रख, लेकिन हमको नहीं पता होता है कि भैया कौन से टूल अच्छे हैं, कौन से टूल बेकार है। इसलिए कुछ जनरल टूल मैंने खरीदे थे, कार में यूज करता हूँ मैं, बाइक साइकिल में, साइकिल में, हर जगह बाइक में यूज करता हूँ मैं, तो मैंने कहा चलो यार आपको बताना चाहिए। तो दो देखिए, एक तो ये मंगाया मैंने एडजस्टेबल रेंच, और ये मंगाया मैंने स्पैनर का सेट। साइकिल, कार, बाइक हर जगह यूज हो जाता है, बहुत मल्टीपर्पज टूल है, बिल्ड स्किल ब्रांड का है। ठीक है, आप देख सकते हैं बिल्ड स्किल ब्रांड का ये टूल है। इनकी खासियत बताता हूँ, सबसे पहली बात तो बहुत चीप है। ठीक है, मार्केट में बाकी प्रोडक्ट से काफी चीप आपको ये देखने मिल जाएंगे। ये करीबन आपके 500 रुपए में दोनों मेरे को मिल गया था, लिंक दे दूंगा, चेकआउट कर लीजिएगा। खासियत बताता हूँ, ये सबसे पहले ना एडजस्टेबल रेंच बहुत हैवी है, हाई स्ट्रेंथ स्टील से बना है, कार्बोनाइज स्टील से बना हुआ है, जिससे इसमें जंग वंग नहीं लगेगा। ठीक है, पानी वानी भीगने से इतना दिक्कत नहीं होती है। उसका जो मुंह खुलता है ना, 34 mm तक इसका मुंह खुल जाता है, 300 mm इसकी लेंथ है। वजन बहुत बढ़िया है, इसके दांत काफी अच्छे हैं। ठीक है, ग्रिप पकड़ते हैं, काफी अच्छी ग्रिप इसकी होती है। तो एक तो ये प्रोडक्ट था। ठीक है, ये आपका आप देख सकते हैं इस तरह का कुछ ही प्रोडक्ट है, मुझे काफी अच्छा लगा, मुझे लगा शेयर करना चाहिए। एक खास बात, ये जो इसका घूमने वाला है ना, ये जल्दी खराब नहीं होता है। ठीक है, लोकल मार्केट से मैंने खरीदा था, उसका खराब हो गया था। दूसरा प्रोडक्ट है ये आपका है स्पैनर सेट। एक तरफ आपका आप जो खोल के दिखाता हूं मैं आपको, एक तरफ आप देख सकते हैं कुछ ये वाला सेट है सी टाइप, और एक तरफ आपका ये रिंग है। ठीक है, ये रिंग जो है इसमें 12 कट्स हैं, और इसमें ब्रांडिंग दी हुई है, इसमें देख सकते हैं ड्रॉप फोर्स लिखा हुआ है। इसमें टोटल साइज आपको मिल जाएंगे 6, 8, 10, 12, 13, 14, 17, टोटल 17 नंबर तक है। तो मतलब लगभग हर एक साइज के लिए फिट बैठता है। एक खासियत यह है कि इसकी जो ये वाली लेंथ है ना, ये थोड़ी नॉर्मल से ज्यादा है, जिससे टॉर्क देने में आसानी होती है। दूसरा जो ये है, ये थोड़ा सा बेंड है, जिससे क्रूज में घुसने में आसानी होती है। आप मतलब अगर ये फ्लैट होगा तो स्क्रू कैसे खोलेंगे, दिक्कत होती है। ये थोड़ा सा बैंड है तो ऐसे खोल के स्क्रू खुल जाता है, तो ये सबसे बड़ी खास बात है। ये भी हाई स्ट्रेंथ स्टील से बना हुआ है, और इसमें भी इसकी क्वालिटी काफी अच्छी लग रही है। आप इसको पकड़ेंगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो अगर आप एक सस्ता सा प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं अपने घर में रखने के लिए टूल्स वगैरह के तौर पे, तो ये बिल्कुल आप खरीद सकते हैं। इनके प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, और भी प्रोडक्ट हैं, इनके आफ्टर सेल्स काफी अच्छी है। ठीक है, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। अगर आप चाहते हैं ये प्रोडक्ट खरीदना, तो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। देखिए, मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ कुछ समय से, मुझे काफी अच्छे लगे, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। वैसे इन टूल्स में ज्यादा कुछ बताने के लिए नहीं होता है, बस इतना ही बता सकता हूँ काफी अच्छे हैं, काफी स्ट्रांग है, और एक चीप प्राइस में है, और इनकी आफ्टर सेल्स काफी अच्छी है। ये तो चलो इनमें आफ्टर सेल्स की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट भी लेते हैं ना बिल्ड स्किल से, इनकी आफ्टर सेल्स बहुत अच्छी है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।